अच्छा तुम भगवान की कसम से तुम चालू बहुत हो। जब घरे कथा कराई तो हमने की कथा सुनन जाएंगे जी करे। तब वो बोले तुम चिल्लाओ हम बैठ के सुनेंगे। अच्छा ये तो तिलक मारी कटोरी दो। अच्छा तिलक ये हमारे ऋषभ बाबू जो ये भतीजे श्री जो हमें सम्मान किया है भगवान अब जान तो हमें ऐसो सजा दो जैसे तब नए सजे अति कितने मल्लुक सजाए दे भगवान इस बेटा की लंबी उम्र हो और परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे यही ईश्वर से मेरी कामना है। भगवान हमेशा लंबी उम्र दे और बड़ा ही खुशी है जो हमें आने का अवसर मिला जो हमारा गुरुजी का परिवार हमेशा एक है और एक ही सब लोग रहते हैं। जहां भी जब भी जरूरत हमारी होती है हम पहुंचते हैं और हमें जरूरत होती है तो हमारा परिवार इकट्ठा होता है जो हमें यहाँ आने का अवसर मिला है और ये तो बड़ा सौभाग्य है। वैसे में आज ही निकलता कथा की कल कथा बैठेगी बुलंदशहर पहुंचना था तो मैंने कहा सुबह ही निकलूंगा 4 बजे। हमने पत्नी से कही हमें तुम सवेरे जल्दी जगाए दी हो 4 बजे और सब हिसाब किताब मैंने कहा दरी आए मैंने कहा सवेरे जल्दी निकलना है कथा में कलकत्ता बैठेगी तो ये भी बड़ा सौभाग्य हुआ जो यहाँ आने का अवसर मिला। कहने का मतलब है भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ दशरथ बड़े खुशी हुए। अब वो जब दशरथ खुश हुए इधर विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में